नमस्कार मित्रों, आज हम देखेंगे कि मेंटेनेंस को दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है और हम यह भी जानेंगे कि जीरो मैकेनिकल स्टेट क्या होता है। मेंटेनेंस करते समय क्या ध्यान रखना आवश्यक है? मेंटेनेंस के लिए यह आवश्यक है कि मशीन को ऐसी अवस्था में रखा जाए कि किसी भी प्रकार के अनपेक्षित गति की संभावना शून्य हो जाए। इस प्रकार से चोट लगने की संभावना को न्यूनतम किया जा सकता है। इस काम के लिए किस विधि को अपनाया जाता है? इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिस विधि को अपनाया जाता है वह है लॉकआउट टैग आउट टेस्ट आउट। मात्र विद्युत आपूर्ति को बंद कर देने से सुरक्षा पूर्णतया सुनिश्चित नहीं हो सकती। इसके अलावा एनर्जी के दूसरे स्रोतों को भी ध्यान देना आवश्यक होगा, जो कि इस प्रकार हो सकते हैं: दबाव युक्त हाइड्रोलिक फ्लूइड, दबाव युक्त हवा, स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, लटके हुए पुर्जों में संचित ऊर्जा। इन सभी ऊर्जा स्रोतों को क्या करना होगा? संधारण कार्य आरंभ करने से पहले इन सभी ऊर्जा स्रोतों को भी न्यूट्रलाइज करना आवश्यक होगा एवं लॉक करना आवश्यक होगा। इन सभी ऊर्जा स्रोतों को आइसोलेट करना होगा या ब्लॉक करना होगा या सपोर्ट करना होगा या नियंत्रण में रखना होगा, ताकि यह ऊर्जा अचानक मुक्त ना हो पाए। इस सबसे क्या होगा? एक बार सभी ऊर्जा स्रोतों को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए तो मशीन को जीरो मैकेनिकल स्टेट या ZMS में कहा जाएगा, एवं उसके बाद ही मशीन में कोई भी अनअपेक्षित गति नहीं हो पाएगी और अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी और कोई भी एक्सीडेंट नहीं हो पाएगा। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को भी जरूर शेयर करें। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले। आपका कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।